गो टू स्लीप नाउ, बहुत लेट हो चुका है। आई गॉट टू फिनिश दिस, कल सवेरे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। चाहिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये क्या सुबह सुबह पिज्जा? कुछ हेल्दी खाया करो यार। इट्स ओके, कुछ नहीं होता, जाते वक्त टोका मत करो। अरे पर नो बेटा, पापा इज वेरी टायर्ड टुडे। एक काम करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। क्या? वीडियो गेम? या। ओके। लेट्स गो। वो। ये। स्टॉप इट। सुनो, लुक्स लाइक आई एम हैविंग एसिडिटी। एक मिनट रुको, मैं इनो लाती हूँ। कितनी बार कहा है पर तुम कुछ सुनते ही नहीं। पूरा दिन सैंडविच, पिज्जा, बर्गर। ये लो इनो। थोड़ा थोड़ा चेस्ट पेन भी हो रहा है। व्हाट? पेन किलर लाऊं मैं? अरे सुनो, गॉड, क्या हुआ तुम्हें? आंसर मी, गॉड, कुछ तो बोलो तुम। एक मिनट रुको, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। डैडी, डैडी, आपको क्या हो गया डैडी? हेलो सर, इनको कुछ हो रहा है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मुझे नहीं पता पर प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। जी कैसा लग रहा है आपको? आर यू ओके? बस अभी डॉक्टर आते होंगे। बेटा देखो, डॉक्टर अंकल आए होंगे। सर, सर प्लीज जल्दी देखिए ना। क्या हुआ था इनको? सर पहले कह रहे थे कि एसिडिटी है, फिर चेस्ट पेन होने लगा और फिर अचानक से कोलैप्स हो गए। ओह, इनको इतना पसीना भी आ रहा है? जी। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। व्हाट?
इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हृदय की किसी धमनी के बंद हो जाने के कारण हार्ट अटैक आता है। नियमित कसरत नहीं करना, पूरे दिन बैठे रहना, धूम्रपान, तंबाकू, चर्बीयुक्त आहार, ज्यादा तनाव, ज्यादा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ना, वंशगत हृदय रोग, ये सभी हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। गर्दन और जबड़े में दर्द, बाएं कंधे और हाथ में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हृदय में भारीपन, हाथों में पसीना आना, बेचैनी, चक्कर के साथ उबकाई आना, ये सभी लक्षण हार्ट अटैक के हैं। अगर आप इन्हें महसूस करें तो तुरंत सिम्स जैसी संपूर्ण सुविधा वाली हॉस्पिटल में जाएं। इसे मामूली एसिडिटी समझकर देर न कीजिए। यदि पेशेंट को संपूर्ण सुविधा वाली हॉस्पिटल तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए तो पेशेंट की जान बचने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। एंजियोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसे हम पेशेंट के हृदय में एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि उसकी कौन सी धमनी में क्या तकलीफ है। प्रॉब्लम या दिल की नली की रुकावट के बारे में पता चलते ही हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास जैसे इलाज के बारे में निर्णय ले सकते हैं। उनकी लेफ्ट मेन आर्टरी में 100% ब्लॉकेज है। We need to perform angioplasty. सर, पर कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? I don't think so. जब कोई धमनी में रुकावट हो तो उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जा सकता है। एंजियोप्लास्टी में धमनी के अंदर एक ट्यूब के माध्यम से रुकावट तक एक बलून ले जाते हैं और उसे फुलाते हैं। बलून फुलाने से बंद हो चुकी धमनी वापस खुल जाती है और इसमें रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। उसे खुला बनाए रखने के लिए हम एक स्टेंट या जाली लगाते हैं। पर जब एंजियोप्लास्टी मुमकिन ना हो तो हमें बाईपास करना पड़ता है। बाईपास सर्जरी में अपने शरीर की ही नसों का उपयोग करके ब्लॉक नलियों का बाईपास किया जाता है। बाईपास सर्जरी दो तरह से हो सकती है, एक धबकते हृदय पे बीटिंग हार्ट सर्जरी और दूसरा हृदय बंद करके। बाईपास का दीर्घकालीन परिणाम बहुत अच्छा होता है। मेडिकल साइंस में डैश प्रोसीजर का दुनिया भर में बहुत महत्व है। डैश मतलब डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी सेव्स हार्ट, यानी ईसीजी से हार्ट अटैक की गंभीरता के बारे में पता चलते ही अगर डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी कर दी जाए तो मरीज के जान बचने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बेटा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके सर। आपके पापा भी खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप उन्हें मिल सकते हैं। थैंक यू अंकल। हेलो। हेलो सर। फॉर्चुनेटली आप बहुत सही समय पर सिम्स पहुंच गए। हमने इनकी एंजियोप्लास्टी कर दी है, इनकी आर्टरी में जो ब्लॉक था उसे खोल दिया है। तो बस 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर डिस्चार्ज। ओके। थैंक यू सर। ओके। सही समय पर पहुंचना जितना जरूरी है
उतना ही जरूरी है सही हॉस्पिटल को चुनना। सही हॉस्पिटल वही होता है जहां सारे आधुनिक उपकरण हो, सबसे अनुभवी डॉक्टर्स हो और पेशेंट का 24 घंटे ख्याल रखने की सुविधा हो। सिम्स में ये सब कुछ है, इसलिए आपके लिए ये सबसे सही हॉस्पिटल है। यहाँ सभी अत्याधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी, विश्व स्तर पर पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर्स और पेशेंट का ख्याल रखने की अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं। और तो और, सिम्स की एम्बुलेंस में सारी दवाइयां, कार्डियोग्राम और हर प्रकार के साधन का प्रबंध है। मतलब अगर आप सिम्स के नजदीक हैं तो सिम्स की एम्बुलेंस को ही बुला दीजिए, पेशेंट की स्थिति को एम्बुलेंस में ही स्थिर कर दिया जाएगा। पर अगर आप सिम्स से दूर हैं तो सबसे पहले आपके नजदीकी फिजिशियन के पास जाएं, थ्रोम्बोलिसिस करवाएं, जिससे आपका खून पतला हो जाएगा और आप थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाओगे। उसके बाद आप तुरंत सिम्स आ जाएं, क्योंकि सिर्फ थ्रोम्बोलिसिस करना काफी नहीं है। सीरियस हार्ट अटैक का समाधान एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही हो सकता है। Morning. कैसा लग रहा है आपको? Wonderful, absolutely fine. Great, sister five. Well, everything looks great. चलिए आज आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन remember, no smoking, no drinking, low trans fats, only salads, fresh fruits. और हाँ, oily चीजें बिल्कुल नहीं। समझे? And हाँ, every day, हर रोज एक घंटा exercise बिल्कुल जरूरी है। सुना? Okay, teacher.